दोस्तों, सदाबहार अभिनेता देवानंद जी हिंदी फिल्म जगत के किसी आइकॉन से कम नहीं है। उनका अंदाज, उनकी अदा, उनकी एक्टिंग, सब कुछ दर्शकों के दिलों में अपनी खास पहचान छोड़ती है। कहते हैं जिस तरह का स्टारडम देवानंद साहब ने देखा है, पॉपुलैरिटी का वैसा जादू शायद ही किसी और एक्टर की किस्मत में आया है। दोस्तों, एक ऐसा वक्त था जब देवानंद को काले कोट को पहनने से बैन कर दिया गया था। उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग उनकी एक झलक के लिए काफी बेकरार रहती थी और सार्वजनिक स्थानों पर देवानंद की मौजूदगी में फैंस को संभालना काफी मुश्किल था। आज भले ही देवानंद को गुजरे एक दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका हो, पर आज भी उनका जिक्र हिंदी सिने प्रेमियों के लिए एक सुखद अनुभूति है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभिनेता देवानंद के अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मनोरंजन की दुनिया से जुड़े हुए हैं। साल 1946 से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले देवानंद जी का परिवार भी मनोरंजन की दुनिया का एक चर्चित परिवार रहा है। तो आइए दर्शकों, देर किस बात की, हमारे इस वीडियो के जरिए आज हम देवानंद साहब के प्रारंभिक जीवन और उनके परिवार के सभी महत्वपूर्ण सदस्यों से आपको रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शर्मा और आप देख रहे हैं सेलेब्स फैमिली। देवानंद जी का जन्म 26 सितंबर 1923 में पंजाब ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। इनका पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उनके पिता का नाम पिशोरीलाल आनंद था। पिशोरीलाल पेशे से एक जाने माने एडवोकेट हुआ करते थे। देवानंद की माता जी से जुड़ी ज्यादा जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम आपको इनसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। बात इनके भाई बहनों की करें तो इनके दो बड़े भाई, एक छोटे भाई और एक छोटी बहन थी। देवानंद के बड़े भाइयों का नाम मनमोहन आनंद और चेतन आनंद था। मनमोहन आनंद की तस्वीर उपलब्ध नहीं है। वहीं इनके छोटे भाई का नाम विजय आनंद था। देव जी की छोटी बहन का नाम शीला कांता कपूर था। आइए अब एक नजर देवानंद के भाई बहनों के प्रोफेशन पर डालते हैं। देवानंद के बड़े भाई मनमोहन आनंद अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर एक वकील बने, जबकि दूसरे भाई चेतन आनंद ने भी मनोरंजन की दुनिया में अपना करियर बनाया। उनका जन्म 3 जनवरी 1921 लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। चेतन आनंद एक जाने माने हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे। उन्हें साल 1946 ग्रैंड प्रिक्स प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। चेतन अपने भाई देवानंद की तरह बेहद क्रिएटिव थे। चेतन की मशहूर फिल्मों की बात करें तो उनमें हीर रांझा, हम सफर, हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्मों का खास जिक्र आएगा। चेतन जी ने 6 जुलाई 1997 को इस दुनिया को अलविदा कहा था। दोस्तों, देवानंद के छोटे भाई विजयानंद को आमतौर पर गोल्डी आनंद के रूप में जाना जाता है। विजय का जन्म 22 जनवरी 1934 गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। विजय भी एक सुप्रसिद्ध फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और एक्टर हुआ करते थे। विजय को ज्वेल थीफ, तीसरी मंजिल, गाइड, जॉनी मेरा नाम आदि फिल्मों के लिए याद किया जाता है। बता दें कि विजय जी का निधन 23 फरवरी 2004 को मुंबई में हुआ था। देवानंद की छोटी बहन शीला कांता कपूर पेशे से एक जर्नलिस्ट और एक्टर थी। उनके पति का नाम कुलभूषण कपूर है, जो पेशे से एक फिजिशियन थे। शीला जी के 4 बच्चे हैं, जिनका नाम शेखर कपूर, नीलू कपूर, सोहेला कपूर और अरुणा कपूर है। दोस्तों, शेखर प्रोफेशन से एक फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अकाउंटेंट, एक्टर और कंसल्टेंट हैं। उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं, जैसे मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन, एलिजाबेथ, मासूम जैसी फिल्में काफी फेमस रही हैं। देवानंद के भांजे शेखर कपूर शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम सुचित्रा कृष्ण मूर्ति है। शेखर की पत्नी पेशे से एक अभिनेत्री है। शेखर की एक बेटी है जिनका नाम कावेरी कपूर है। कावेरी पेशे से एक सिंगर है। दोस्तों, देव जी की बहन शीला की बेटी नीलू कपूर की शादी बॉलीवुड के पॉपुलर अभिनेता नवीन निश्चल से हुई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है।
हालांकि नीलू और नवीन का रिश्ता बाद में टूट गया था। आपको बता दें, नवीन भी अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए काफी चर्चित थे। उनकी डेब्यू फिल्म सावन भादो दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर रही। दोस्तों, हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि आगे चलकर नवीन निश्चल ने दूसरी शादी भी कर ली थी। नवीन और शिला की दो बेटियां हैं, जिनका नाम नताशा निश्चोल और नोमिता निश्चोल है। नताशा पेशे से एक अभिनेत्री और मेकअप आर्टिस्ट हैं। नोमिता से जुड़ी ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। शीला जी की दूसरी बेटी सोहेला कपूर की शादी अनिरुद्ध लिमाय से हुई थी। शीला कांता जी की तीसरी बेटी अरुणा कपूर की शादी परीक्षित साहनी से हुई है, जो बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के बेटे हैं। अभिनेता परीक्षित साहनी को हमने कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में देखा है। उन्हें थ्री इडियट्स, पीके आदि फिल्मों के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, देव जी के बड़े भाई मनमोहन आनंद की पत्नी और बच्चों से जुड़ी जानकारियां और तस्वीरें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। वहीं देवानंद के भाई चेतन आनंद ने उमा आनंद से शादी की थी। उमा पेशे से एक जर्नलिस्ट थी। चेतन जी और उनकी पत्नी उमा आनंद के दो बच्चे हैं, जिनका नाम केतन आनंद और विवेकानंद है। केतन आनंद पेशे से एक फिल्म निर्देशक है, जिन्होंने शीशे का घर, रावण, टूटे खिलौने, शर्त, हम रहे ना हम जैसी फिल्में बनाई हैं। वहीं दूसरे बेटे विवेक आनंद से जुड़ी ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद की शादी सुषमा आनंद से हुई थी। इनके बेटे का नाम वैभव आनंद है। दोस्तों, वैभव आनंद प्रोफेशन से एक एक्टर और फिल्म डायरेक्टर है, और कई सालों के स्ट्रगल के बाद अब वो एकता कपूर के आने वाली वेब सीरीज में शामिल हैं। अब एक नजर देवानंद जी की शादीशुदा जिंदगी पर डालते हैं। देवानंद ने साल 1954 में अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी की थी। उनका असली नाम मोना सिंघा था। कल्पना एक खूबसूरत अदाकारा थी। 50 के दशक में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया था। आपको बता दें कि अभिनय के अलावा कल्पना ने फिल्म प्रोडक्शन में काफी काम किया है। दोस्तों, देवानंद साहब और कल्पना कार्तिक जी के दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम सुनील आनंद है और बेटी का नाम देविना आनंद है। सुनील का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। देव जी के बेटे सुनील आनंद एक फिल्म अभिनेता और निर्देशक है। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें आनंद और आनंद, वेगेटर मिक्सर, रह गुजर, मैं तेरे लिए जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, बात अगर सुनील आनंद के डायरेक्टोरियल करियर की करें, तो इन्होंने इसकी शुरुआत साल 2001 में एक मार्शल आर्ट फिल्म से की थी। इस फिल्म का नाम मास्टर था। आपको बता दें कि सुनील का हॉलीवुड करियर साल 2014 में शुरू हुआ था। हालांकि अपने पिता की तरह सुनील का करियर ऊंचाइयों तक पहुंच नहीं पाया। सुनील ने शादी की है या नहीं, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। देव जी की बेटी देवीना आनंद की दो शादियां हुई हैं। उनकी पहली शादी बॉबी नारंग से हुई थी, जो पेशे से एक पायलट थे। शादी के कुछ साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। बता दें कि बॉबी नारंग का 2010 में कैंसर से मौत हो गई थी। देवीना आनंद ने दूसरी शादी हरजिंदर पाल सिंह देओल से की। देवीना जी की पहली शादी से एक बेटी है, जिनका नाम है गिना नारंग। गिना पेशे से एक फोटोग्राफर है। गिना की शादी हो चुकी है और उनके पति का नाम प्रयाग मेनन है। दोस्तों, देवानंद की बेटी देवीना आनंद अपने पति हरजिंदर पाल सिंह देओल के साथ अपनी शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रही है। अपने माता पिता और अन्य परिवार जनों की तरह वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं। बता दें कि देवानंद जी की मृत्यु 3 दिसंबर 2011 द वॉशिंगटन मेफेयर होटल लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। उनका अंतिम संस्कार लंदन में ही हुआ था। तो दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो के जरिए लेजेंडरी एक्टर देवानंद के परिवार से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार पूर्वक आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मनोरंजक और ज्ञानवर्धक रहा होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।